हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे 3:15 बज गए दोपहर के, और आज का दिन है ट्यूसडे, और हम माँ बेटी अभी अभी लौटे हैं बाहर से। फिल्म देखने के लिए गए थे दृश्यम 2। फर्स्ट पार्ट उसका देखा हुआ था, टीवी पर ही देखा था, तो दूसरा पार्ट भी ना उसका खुशी का देखने का बहुत मन कर रहा था। कई दिनों से बोल रही थी वो कि मम्मी पिक्चर देखने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर लेके चलती हूँ उसको। तो हमने आज का प्लान बना लिया, और ऋषभ को ना स्कूल में भेज दिया हमने, और उसके जाने के बाद फिर फिल्म का प्लान बनाया था, और उसको बोला भी नहीं हमने कि हम जाने वाले हैं, नहीं तो ना वो जाने ही नहीं देता। और फिर उधर से आते टाइम ना कुछ खाने के लिए भी बच्चों को लेके आए, वहाँ पर कुछ नहीं खाया खुशी ने भी, मैं तो खाती नहीं हूँ ज़्यादा बाहर का, खुशी ने भी कुछ नहीं खाया, तो फिर घर पर ही लेकर आ गए। तो अभी 2 प्लेट लगा दिए है खुशी की और ऋषभ की, और हॉट डॉग लाए हैं और पेस्ट्री लाई है खुशी ने। खुशी के मतलब जो पसंद है ना उसको वही लेकर आई है वो, तो दोनों के लिए प्लेट लगा दिए यहाँ पर। अभी ना ऋषभ आया नहीं है स्कूल में से, तो आएगा ना तो देखेगा तो फिर एकदम खुश हो जाएगा। और जब तक हम निकल रहे थे ना बाहर जाने के लिए, तब तक दूध वाले भैया आए नहीं थे, तो फिर मैंने ना साइड वाले दीदी के घर पे ना कैन रख दी दूध की, तो फिर उनके घर में ही रखा था दूध, तो आते टाइम लेकर आ गई मैं, और अभी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये अगला दिन है, अगले दिन के 7:30 बज गए हैं, और आज का दिन ना वेनसडे है, और यहाँ पे सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया है मेरा। तो सुबह के थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद में ना किचन में आ गई हूँ, चाय वगैरह पी ली मैंने अपनी, और उसके बाद यहाँ पर दाल चावल का कुकर लगा लेती हूँ, और दाल को चावल को ना अच्छे से धो ले रही हूँ। यहाँ पर दाल घर की है, घर के खेत की है, तो ज़्यादा धोने की जरूरत नहीं है, दाल को 2 पानी से धो लेती है ना तो चलता है, लेकिन चावल को ना ज़्यादा धोना पड़ता है, चावल को 3 बार धो लेती हूँ। और क्या होता है, मार्केट की जो चीज़ें होती है ना, तो उसको कुछ ना कुछ लगा होता ही है, केमिकल पेस्टिसाइड कुछ ना कुछ होता ही है, तो फिर उनको ना ज़्यादा धोना पड़ता है। घर की चीज़ों को ना कम ही धोना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा धोते हैं ना तो सारे पोषक तत्व जो होते हैं ना उनके तो निकल जाते हैं। तो कुकर लगा दिया है, और अपने जो रूटीन के काम होते हैं ना बस वही करूँगी, सब्जी बनाना रोटी बनाना वही अपने रोज के ही काम करूँगी। तो उसके साथ साथ ना आपके साथ में कोई किस्सा भी शेयर करना है कल का। कल जब मूवी देखने गए थे ना, तब क्या हुआ, जैसे ही हम थिएटर पहुंचे ना, तो थिएटर में जाके देखा था, थिएटर में कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे, और कुछ ना जेंट्स थे 4-5 बैठे हुए उधर। तो फिर ना थिएटर में जाने का ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, डर लग रहा था, और जिस टॉकीज में खुशी हमेशा जाती है ना, तो वहाँ पर वहाँ की टिकट नहीं निकली थी कल। क्या हुआ ना, इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो जहाँ पर खुशी हमेशा जाती थी ना, तो वहाँ पर वो वाली पिक्चर नहीं थी जो खुशी को देखनी थी, दृश्यम दूसरी मूवी लगी हुई थी वहाँ पर, तो फिर इसी में जाना पड़ा। फिर तो मैं सोच रही थी कि वापस ही आ जाऊँ मैं, क्योंकि वहाँ पे एक भी लेडीज़ नहीं थी, वहाँ पे थोड़े बहुत एजेंट्स ही थे। ये सब देख के तो मैं इतना डर गई ना, पहले मैं तो सोच रही थी ना वापस ही आ जाऊँ, क्योंकि ना इतना डरावना माहौल लग रहा था वहाँ पर, तो बैठने का मन नहीं कर रहा था। तो पहले ना ये देख लीजिए, मैंने वाल की सब्जी बना ली है, दाल बॉईल करने के लिए रख दी है, और ऋषभ के लिए दाल फ्राई भी बना दी है, गाड़ी दाल खाता है ना मिर्ची वाली है, तो वो भी बना दी है, और चावल बना दिए है, अभी रोटियाँ बनाना बाकी है। तो पहले ना कपड़े वगैरह भिगा लेती हूँ, क्योंकि मावशी आते होंगे अभी कपड़े धोने के लिए, मतलब आए तो नहीं है अभी, साइड के घर में भी नहीं आए हैं, लेकिन ना कपड़े भीगना भी ज़रूरी होते हैं ना, तो कपड़े भिगा देती हूँ पहले, और मेरे दिमाग से भी ना एक टेंशन चला जाता है, कपड़े भीग जाते हैं ना तो फिर शांति से मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना पहले ऋषभ को तैयार कर देती हूँ, खुशी ने उसको नहला दिया है, तैयार भी कर दिया है, बस सॉक्स पहना देती हूँ मैं उसको। और इसके देखिए ना, जब तक स्कूल का टाइम निकल नहीं जाता ना, तब तक ऐसे ही नखरे करता है, ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे लगता है ना बच्चों को बुखार है क्या है पता नहीं चलता, ऐसे ही करता है वो। और स्कूल का टाइम निकल जाता है ना एक बार, तो फिर एकदम शेर बन जाता है, अभी ना उठेगा भी नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बात नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन मैं भी ना अब इसकी नौटंकी समझ गई हूँ कि ऐसे ही करता है ये, तो अब मैं ना इसकी बातों पर इसके हरकतों पर ना ध्यान नहीं देती हूँ, सीधा इसको स्कूल में भेज देती हूँ। पहले ना ये ऐसे करता था ना, तो फिर मुझे लगता था बच्चों को बुखार है, कभी उसको घर को रहने देती थी, फिर कभी कभी उसको दवा पिला के भेजती थी, लेकिन ना अब मुझे समझ में आ गया कि सारी नौटंकी होती है इसकी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए, तो अब इसके बातों में ना कोई भी नहीं आता है घर में। तो यहाँ पे सॉक्स पहना दिए उसको, अभी ना एक बार उसका बैग चेक कर लेती हूँ, बैग एक बार चेक कर लेते हैं ना तो सब तसल्ली रहती है कि बच्चों को सब दे दिया, नहीं तो क्या होता है कभी कभी वही निकालता है रखता है ना, तो फिर कभी कोई चीज़ घर पर छूट जाती है तो बच्चा परेशान हो जाता है, तो एक बार देख लेना जाने से पहले, तो बच्चे की परेशानी नहीं होती है। तो अभी ऋषभ की बैग भी तैयार है, ऋषभ भी तैयार है, अभी ऋषभ का ना टिफिन बाकी है तैयार करने का, तो मतलब रोटी बनाना ही बाकी है, तो अभी फटाफट से तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 10:15 बज गए हैं, और अभी ना ऋषभ चला गया स्कूल में, और ऋषभ के डैडी भी चले गए हैं, दोनों भी नाश्ता पानी करके अपना चले गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने अपने लिए और खुशी के लिए चाय बना ली है, और अभी हम माँ बेटी बैठ कर ना पहले चाय और ब्रेड खाएंगे। और तवे पर जो देख रहे हैं ना वो ज्वारी की रोटी है, गेहूं की रोटियां बना ली थी मैंने, उसके बाद अपने लिए ना 2 रोटी ज्वारी की बना ली। ज्वारी की रोटी अच्छी लगती है मुझे, और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो कभी कभी ना बना लेती हूँ, वैसे तो रोज़ भी खाए तो अच्छी होती है, लेकिन ना अकेले के लिए बनाने का ना आलस आता है, तो कभी कभी ही बनाती हूँ। तो हम दोनों ने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद में फिर से किचन में आ गई थी, काउंटर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और घर भी झाड़ू वगैरह लगाना पोछा लगाना सभी बाकी है, क्योंकि खुशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर आज भी मैं ही करूँगी।
तो फ्रेंड पहली वाली बात बोल देती हूँ, जो कल की बात बोल रही थी ना, फिल्म देखने के लिए गए थे, तो फिर वहाँ पर क्या ना ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, जो भी थे ना जेंट्स ही थे, 10-15 लोग थे और जेंट्स ही थे, तो डर लग रहा था, बैठने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर वहाँ पे जो टॉकीज वाले भाई आए ना, तो वो कहने लगे कि मैं आपके पास एक बच्चा बिठा देता हूँ हमारा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास देखिए। तो फिर हम ना दोनों दरवाजे के पास बैठ गए। शुरू शुरू में तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में फिर ठीक लगा सब, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं तो डर होता ही है। लेकिन ना साथ में फिर ये भी ख्याल आ रहा था कि जो जिनसे हम डर रहे हैं ना, वो भी तो इंसान ही है, और वो भी तो किसी ना किसी के भाई है, किसी के बाप है, किसी के पति है, किसी का बेटा है। और कोई भी माँ बाप ना बच्चों को ऐसा नहीं सिखाएंगे कि जाओ तुम बाहर जाके कुछ ऐसी हरकतें करो, लेकिन फिर भी ये बच्चे ऐसे क्यों बन जाते हैं, मतलब क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं, किसको देख के ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग ख्याल दिल में आ ही रहे थे, और ये ख्याल है ना बहुत स्ट्रांग तरीके से आ रहा था कि अगर वहाँ पर कोई लेडीज़ होती ना, 2-4 लेडीज़ होती ना, तो उतना डर नहीं लगता हमें जितना जेंट्स को देख के लग रहा था। बाहर की जो दुनिया है ना, इसी वजह से ना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में महिलाएं काम करने के लिए जा रही है ना, उधर ज़्यादातर जेंट्स ही है। और जितनी महिलाएं बाहर निकलेंगी ना, जितनी औरतें बाहर निकलेंगी ना घर के बाहर, तो उतनी ही ये दुनिया ना औरतों के लिए सुरक्षित बनती जाएगी। अभी क्या होता है ना, थोड़ी सी औरतें घर के बाहर निकलती है कुछ करने के लिए, मतलब जिसकी मजबूरी होती है, किसी को कुछ करना है तो कुछ ही निकलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो घर में ही है। तो जितनी औरतें बाहर निकलेंगी ना, उतना ही पूरी दुनिया ना औरतों के लिए सेफ बन जाएगी। जैसे कि देखिए आप, डॉक्टर महिला है, पुलिस महिला है, टीसी, कंडक्टर, हर जगह महिला दिखेंगी ना, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। हर फील्ड में महिला आ जाए ना, तो ये दुनिया काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगी हम सबके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे काम हो गए मेरे, सुबह के ना सारे काम हो गए अभी मेरे, और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, बाल धोए हैं मैंने सुबह उठते ही। मैंने ना तेल लगा लिया था बालों में, क्योंकि मुझे आज बाल धोने थे, रात में तेल नहीं लगाया था, तो फिर सुबह उठते ही लगा लिया। 3-4 घंटे तक भी तेल रहता है ना बालों में, तो अच्छा रहता है। बिना बाल को तेल लगाए ना बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। और बाल वगैरह धोने के बाद, नहाने के बाद ना, मैं छत पर चली गई थी, छत पर थोड़ी देर बैठ के आई हूँ, अच्छे से बाल सुखा लिए हैं, और फिर बाद में अंदर आके ना थोड़ी सी कंघी कर ले रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं, और सुबह ना मैंने ब्रेड वगैरह खा लिए थे, उसके बाद खाना वगैरह नहीं खाया, तो अभी ना बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो कंघी वगैरह करने के बाद ना पहले खाना खा लूँगी, और उसके बाद काम तो सारे हो ही गए हैं, बस अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह ही बाकी है, तो फिर वो सब काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।